से मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। लेकिन प्रीति मुझे चाहिए और एक ना एक दिन मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। दिनेश मुझे बहुत चाहता है विशाखा, बाबूजी के खातिर वो मुझसे नहीं मिलता। सुबह जब यहाँ नहीं था ना, तो उस दरमियान क्या क्या हुआ वो आप उसे मत बताइए। मैं अभी तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये है कि आज के बाद तुम अमिता से कभी नहीं मिलोगे। ये फैसला तुम्हें अभी करना होगा, तुम्हें अमिता चाहिए या रूमा। बोलो सुभाष, क्या फैसला है तुम्हारा? अगर तुम अमिता के पास लौटकर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो ये अपमान मैं और नहीं सहूंगी। ठीक है, नहीं मिलूंगा मैं उससे। ठीक है का क्या मतलब? मैं कैसे यकीन कर लू तुम्हारा? कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें? कह तो दिया कि नहीं मिलूंगा उससे। अभी फोन करो, मेरे सामने उसे कहो कि आज के बाद तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। क्या नंबर है उसका? मातुन, मैंने पूछा क्या नंबर है उसका? I'm asking you something, सुभाष, what is her number? हेलो। हेलो अमिता, रूमा तुमसे कुछ कहना चाहती है। मैं नहीं, तुम बात करोगे उससे। तुम कह दो उससे कि आज के बाद तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। कहो सुभाष। लगता है मुझे ही कहना होगा। अमिता, मैं रूमा बोल रही हूं, सुभाष की पत्नी। हाँ बोलो। आज के बाद सुभाष तुमसे कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारा और सुभाष का अब कोई रिश्ता नहीं है, और ये बात सुभाष तुमसे खुद कहना चाहता है। हेलो अमिता। सुभाष, क्या बात है? रूमा क्या कह रही है? रूमा जो कह रही है वो ठीक है। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकता। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर मुझसे कुछ गलतियां हो गई तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी, गुड बाय। आज तो रूमा ने इतनी बातें कहने की, थोड़ी देर के लिए तो मैं भी सकते में आ गया था। बिल्कुल अपनी माँ के स्वभाव पर गई है। मित्तल भाई साहब एकदम शांत स्वभाव के हैं और वंदना एकदम तेज तर्रार। लेकिन एक बात मैं भी तय कर चुकी हूँ, रूमा पर काबू रखना होगा और वो काम मैं करूंगी। आपके सामने? आपके सामने उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी जुबान चलाए? तूने भी तो उसे इतना डांट दिया कि अब कभी तेरे सामने उसकी जुबान चलाने की हिम्मत नहीं होगी। मैं हैरान भी हूँ और खुश भी। वो कैसे? अरे भाई, कुछ तो सीखा तूने मुझसे। पहले तो तेरे मुंह में जुबान ही नहीं होती थी, मुझे सुना दिया करती थी लेकिन बच्चों को कुछ नहीं कहती थी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी क्या मजाल जो मैं आपसे कुछ कहूँ। अच्छा।
आपको बड़ी सबने बुलाया। विशाखा, ये बड़े साहब कौन है? बड़े साहब इस कंपनी के मालिक हैं। तुम मिली नहीं उनसे? नहीं, अब मिल लेती हूँ। मैं कमेंट आप मुझे नहीं जानते लेकिन आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा। मुझे सिंह कहते हैं। सिंह? मैं वो हूं जिसने आपको 1 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। 24 घंटे के अंदर मुझे रुपया चाहिए। जो रुपया देना जानता है उसे वसूल करने के तरीके भी आते हैं। ओए, ये धमकी क्यों दे रहा है? चल निकल यहां से, निकल बाहर। हेलो हेलो, अरे आप रुकूंगी, प्लीज कम इन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस लिए? आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बहुत अच्छी है। सेक्शन इंचार्ज, मैनेजर सबने बड़े अच्छे रिमार्क्स लिखे हैं। उसी के बिना पर आपकी नौकरी परमानेंट की जाती है और आपकी सैलरी रहेगी 6,000 रुपीज अ मंथ। ये रहा लेटर, ले लीजिए। क्या सोच रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। थैंक्स फॉर द लेटर। यू वेलकम। सुनिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहले भी आपको कहीं देखा है। हालांकि पहली बार मिल रहा हूं आपसे। पहली बार नहीं, हम दूसरी बार मिल रहे हैं। आप हमारे घर आए थे। आपके घर? मेरे बाबूजी का नाम पुरुषोत्तम चौधरी है। हेलो, तो आप पुरुषोत्तम चौधरी जी की बेटी हैं? आज आप बहुत इज्जत से उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन उस रोज हमारे घर आकर आपने उनकी बहुत बेइज्जती की थी। मुझे बहुत अफसोस है उस दिन का। दरअसल उस दिन मैं बहुत गुस्से में था। मेरा ऐसा, हेलो, ये लेटर क्यों फाड़ दिया तुमने? का मैं यहाँ नौकरी नहीं कर सकती। नौकरी नहीं कर सकती? क्यों? विशाखा, अगर मुझे पता होता कि ये आदमी इस कंपनी का मालिक है तो मैं यहाँ कभी ना आती। ऐसा क्या हो गया प्रीति? ये जो मिस्टर सिंह है ना, इन्होंने दिनेश के जरिए बाबूजी को कर्जा दिया था। जब बाबूजी कर्जा वक्त पर ना लौटा सके तो ये हमारे घर आया था। बाबूजी को बहुत बुरा भला कहा था, बहुत अपमान किया था बाबूजी का। अब तुम्हें बताओ, ऐसे आदमी के कंपनी में मैं कदम भी कैसे रख सकती हूँ? प्रीति, ये आदमी मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारा वास्ता ही कहाँ पड़ता है इसे? इसके बहुत से और भी बिजनेस हैं। हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन यहाँ आता है बस। वास्ता पड़े या ना पड़े, तुम्हें पता विशाखा, मैं यहाँ, तुम यहाँ नौकरी कैसे कर सकती हो? यही ना, यहाँ से निकल कर कहीं और नौकरी ढूंढेगी। नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है प्रीति। कहीं ना कहीं तो जरूर मिल जाएगी। तो जब मिल जाएगी तब छोड़ देना। और वैसे भी तुम यहाँ काम नहीं करोगी तो मैं भी यहाँ काम नहीं कर सकूंगी। हम दोनों साथ में मिलकर नौकरी ढूंढेंगे, ठीक है? बोलो हाँ या ना। हाँ। हेलो, मैं सिंह बोल रहा हूँ। जी सिंह साहब, बोलिए। विजय भाई, ये दुनिया जितनी बड़ी है उतनी छोटी भी है। अचानक आपका ऐसे लोगों के साथ आमना सामना हो जाता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती।
किससे आमना सामना हो गया आपका? अजी आपकी वो महिला जो कभी आपकी पत्नी हुआ करती थी, मैं विशाखा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो चौधरी जी की बेटी है। सिंह साहब आप प्रीति की बात कर रहे हैं? वो कहां मिल गई आपको? अरे मेरे ऑफिस में काम करती है और मुझे खबर नहीं है ना, आश्चर्य की बात। मेरे लिए तो आश्चर्य की बात यह है कि प्रीति को नौकरी करनी पड़ रही है। बाय द वे उसने तो आपको पहचान लिया होगा। हाँ पहचान लिया भाई, पहचान लिया और दो बातें भी सुना गई है। कह रही थी कि हमने चौधरी जी की बड़ी बेइज्जती की है। सिंह साहब प्रीति बहुत खुददार लड़की है, वो अब आपके दफ्तर में काम नहीं करेगी। ना करे, लेकिन मैं उसे नौकरी से नहीं निकालूंगा। हाँ अगर वो खुद छोड़ना चाहे तो वो उसकी मर्जी है और मैं रोकूंगा भी नहीं। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर उसे मिलना चाहें तो मेरे ऑफिस आ सकते हैं। देखिए सिंह साहब, प्रीति से मुझे कहाँ मिलना है, कब मिलना है, ये तय करना मेरा काम है। एनीवे इस इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, गुड बाय। हेलो क्यों मामा चिल्ला रहा है, क्या काम है मां से? वैसे काम तो आपसे है। काम मुझसे और चिल्ला मां को रहा है, क्या काम है? मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात कहना चाह रहा था, सोचा आज ही कह डालूं। ऐसी कौन सी बात है जो बहुत दिनों से सोच रहा था कहने की लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था? बात हिम्मत की नहीं है बाबूजी, बात आपको मनाने की है। मुझे पता है आप आसानी से मानेंगे नहीं। जब तू ये जानता है कि मैं आसानी से मानूंगा नहीं तो कहता क्यों है? मत कह बाबूजी, प्लीज बात सुन लीजिए। कहता क्यों नहीं, क्या बात है? अब कह दे क्या बात है। अरे क्या हमारी गद्दी जिसे हम ऑफिस कहते हैं वो बहुत पुरानी हो गई है बाबूजी, उसे आप बेच डालिए। और राधे तू अपने कमरे में जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक मिनट, क्या कहा तूने? गद्दी बेच दें, गद्दी बेच के घर में बैठेंगे? नहीं बाबूजी, हम नई ऑफिस खरीदेंगे। अच्छा, एकदम मॉडर्न, उसमें हमारा स्टाफ कुर्सियों पर बैठेगा। अच्छा, और आप और मैं अलग अलग केबिन में। तू भी केबिन में बैठेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, सिर्फ आप बैठेंगे। आपके लिए बहुत बड़ा सा केबिन बनवा देंगे। अच्छा ठीक है। वैसे बाबूजी मेरे लिए भी एक छोटा सा केबिन बनवा दीजिए। कोई जरूरत नहीं है बाबूजी। ठीक है फिर आप। मैं ये कह रहा हूँ कोई जरूरत नहीं केबिन बनाने की, कोई जरूरत नहीं ऑफिस बनाने की, समझ आए तो ना? जरूरत है बाबूजी, जमाना बदल गया है। कब तक हम लोग कुएं के मेंढक की जिंदगी जीते रहेंगे? डराओ 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 करते रहेंगे। इसलिए मेरी सलाह है कि हम एक नई बिजनेस शुरू करें, एक नई फैक्ट्री डालते हैं। काहे की फैक्ट्री? ओह तो आपको मेरी सलाह की जरूरत है। हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, बहुत मुनाफा है उसमें, बहुत मुनाफा। मेरा एक दोस्त मामूली सा डीलर है और देखिए आप आज वो करोड़पति बन गया है। तो उसी से जाके पूछना वो करोड़पति कैसे बना। ठीक है मैं कल पूछ के आता हूँ। उल्लू के पट्टे, आता जाता कुछ है नहीं, दूसरों की नकल करने चला है, गद्दी बेचने की बात करता है। दोबारा इस तरह की बात की तो आप डांटते
कौन सी? कौन सी? वो बंदर वाली। मालिक ने बंदर के हाथ में तलवार दी तो बंदर ने मालिक का गला ही काट दिया। गलती से मैंने बिजनेस की बागडोर इसके हाथ में दे दी तो ये सब कुछ बेच के सफा कट कर देगा। जो कारोबार है वही तुझसे ठीक से संभलता नहीं है, नया कारोबार शुरू करने की बात करता है और ये भी नहीं जानता कि चाहता क्या है करना। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना बाबूजी? मैं अपना बिजनेस खुद शुरू करके दिखाऊंगा आपको। मैं तेरे हाथ में एक रुपया भी नहीं दूंगा। मैं लूंगा भी नहीं आपसे। मैं अपने बलबूते पर अपना नया बिजनेस शुरू करके दिखाऊंगा। बस आशीर्वाद दीजिए। भगवान जाने ये क्या करना चाहता है। अब गद्दी पर मुझे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। प्रीति, प्रीति जल्दी नीचे आओ, चाय नाश्ता रेडी है तुम्हारा। थैंक यू अमिता। यू वेलकम। तुम्हारे खाने का डब्बा भी रेडी है। घर में सारे काम मैं ही किया करती थी, यहाँ तो तू कुछ करने ही नहीं देती। कितना ख्याल रखती है तू मेरा। प्रीति, एक दूसरे का ख्याल जितना रख सके, एक दूसरे का साथ जितना दे सके देना चाहिए। पता नहीं साथ कब छूट जाए। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि ऐसा ही होता है और मेरे साथ तो ऐसा बार बार हुआ है। क्या हुआ अमिता? कुछ नहीं। बता क्या हुआ मुझे। प्रीति, सुभाष का फोन आया था, मुझसे कह रहा था कि अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, मुझे खिलौना समझता है। वो जब दिल चाह मेरे साथ खेल लिया और जब दिल भर गया तो मुझे तोड़कर फेंक दिया और मैं अपने आप को जोड़ती रहती हूँ, समेटती रहती हूँ मैं। गलती तो तेरी भी है अमिता, क्यों बार बार भरोसा करती है उस पर? अब जब उसकी शादी हो गई है तो फिर क्यों मिलना जुलना शुरू किया तूने उससे? प्रीति, क्योंकि उसी ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो अब रूमा को नहीं चाहता है। रूमा से अलग होकर वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ ना, इसीलिए उसकी बातों को यकीन कर लिया मैंने। वो तुझे बहुत चाहता है अमिता, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि वो रूमा से अलग कभी नहीं हो सकता। रूमा की वजह से जो सहारा मिला है उसे वो कभी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा मतलब उनका बिजनेस, उनकी दौलत? हाँ वही। अमिता, सुभाष अपने बलबूते पर कुछ ना कर सका, रूमा से अगर अलग हो जाएगा तो क्या करेगा वो? बाबूजी तो उसकी मदद नहीं करेंगे और किसी की मदद के बिना सुभाष एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। अमिता, तुम्हें अब अपने आप से एक वादा करना होगा। तुम सुभाष के बारे में कभी नहीं सोचोगी। सुभाष के लिए तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। तू सही कह रही है प्रीति, अब यही करना होगा। आज के बाद मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी और सुभाष नाम के लड़के को अब मैं नहीं चाहती। झरना पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है? लहरों को किस
हिरन पे किसका पहरा है, फिर क्यों दिल के अरमानों पर